हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 8 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और हमारी जो फरवरी माह की आउटलुक है वो आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या इस लिंक पर जाके आप ये परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारी जनवरी की भी आउटलुक अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। एमपीएस आईएमपी कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, व्यापम के अदर एग्जाम्स जो है उनकी सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। कल एक प्रश्न में पूछा था कि केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव घोषित करने की मतलब घोषित किया है, तो ये वित्त सचिव जो है वो बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे। ठीक है, अजय भूषण पांडे नए वित्त सचिव केंद्र सरकार ने बनाए हैं। आज का हमारा प्रश्न है, विश्व के सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने बॉलीवुड की किस स्टार अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया है। ये चार ऑप्शन है, तपसी पन्नू, करीना कपूर खान, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट। एक सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। क्विक रिकैप कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस का, यानी कि 7 मार्च के सारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का। तो ये देखिए, एक जिला एक फसल पर कार्यशाला आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये मध्य प्रदेश है। देश का पहला GIS आधारित मास्टर प्लान मध्य प्रदेश के किस जिले में लागू होगा, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में लागू होगा। कब प्रदेश की 22,812 ग्राम पंचायतों में सबला महिला सभा का आयोजन किया जाएगा, तो ये 8 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक चिन्हांकित किए गए राम वनगमन पथ के निर्माण के लिए न्यास का गठन करने का निर्णय लिया गया है, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये गठन जो है इस न्यास का किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है वो स्थगित हो गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, ये करा गया है 15 से लेके 20 मार्च 2020, और इंदौर की देवलाली कर कला वीथिका में इसका आयोजन किया गया था। तो गाइस, ये प्रमुख करंट अफेयर हमारे हैं। प्रदेश के किस जिले में नए रेशम कार्यालय प्रारंभ होंगे, तो ये छिंदवाड़ा और सागर दो जिलों में नए रेशम कार्यालय प्रारंभ होंगे। अगर आप हमारा क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं @NSEducation सर्च करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, प्रदेश के विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में कितनी फुलवारी शुरू की जाएंगी। देखिए, फुलवारी एक तरीके से छोटा सा आप झूला घर या जो क्रश होते हैं वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और प्रदेश के जो विशेष रूप से आदिवासी बहुल इलाके हैं, पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र जो है, वहाँ पर 450 फुलवारी जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा शुरू की जाएंगी। वित्तीय मदद भी आपका आदिम जाति कल्याण विभाग ही देगा, इसके मंत्री कौन है, ओमकार सिंह मरकाम। ठीक है, तो कितनी फुलवारी हैं, 450 फुलवारी हैं। इनमें फुलवारियों में 6 माह से लेके 3 वर्ष तक के बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाएगा उसकी गुणवत्ता की निगरानी भी की जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके का पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए ताकि कुपोषण की जो संभावना है वो कम रहे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं, यानी 6th मंथ से लेके 3 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस उम्र के बच्चे विभिन्न बीमारियों के शिकार भी होते हैं, इन सबसे बचने के लिए फुलवारी की शुरुआत जो है वो की जा रही है, तो ये फुलवारी बनाने का उद्देश्य होगा। तो कितनी बनाई जा रही है, 450। अब ध्यान रखना है अपने को क्या, कि ये जो आदिम जाति कल्याण विभाग की सहयोग से बनाई जा रही है कितने जिलों में बनाई जा रही है, तो ये 5 जिलों में बनाई जा रही है। कौन कौन से जिले हैं, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ठीक है, कुल 450 फुलवारियों की शुरुआत यहाँ पर करी जा रही। तो उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, कितनी बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है, कितने जिलों में बनाई जा रही है। ठीक है, और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाई जा रही, तो सारे पॉइंट महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी की बाघों को समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीक का विमोचन किसने किया। तो हरिओम तिवारी हैं, इन्होंने एक बाघों के लिए समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीक बनाई है, जिसमें एक टाइगर जो है, बाघ जो है वो बोलता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन किया है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर। चलिए कमेंट करके बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। ठीक है, कार्टूनिस्ट कौन है, कार्टूनिस्ट जिन्होंने किताब बनाई है वो है हरिओम तिवारी। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखना है, टाइगर स्पीक। ठीक
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर के मामले में पहले नंबर पे, टाइगर सेंसस के हिसाब से बात करें, इसी साल टाइगर सेंसस आपका आया था, उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसे अभी हाल ही में फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्चुअल में मध्य प्रदेश की व्यक्तित्व है, ये अवार्ड जो है वो इनको राजस्थान में दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ना करके मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व, ये आना चाहिए वैसे क्वेश्चन। ये रितेश सरोठिया है और ये एक्चुअल में एक समारोह आयोजित किया जाता है टाइगर वॉच और राजस्थान वन विभाग के द्वारा, सब कहाँ पर, सवाई माधोपुर में, राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक समारोह आयोजित किया गया था। वहां का वहां के जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख डॉक्टर जीवी रेड्डी, ठीक है ध्यान रखें, डॉक्टर जीवी रेड्डी और सुप्रसिद्ध संरक्षणविद श्री वाल्मीकि थापर, इन दोनों लोगों ने रितेश सरोठिया जो कि मध्य प्रदेश के हैं, इनको प्रशस्ति पत्र 31,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए हैं। रितेश सरोठिया जो है उनके नेतृत्व में राज्य स्तरीय जो टाइगर फोर्स है उसके द्वारा पिछले 4 सालों में वन और वन्य प्राणी अपराधों में लिप्त अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का पर्दाफाश किया गया और लगभग 550 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इनको इन्हीं सब कार्यों के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अभी अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो अवार्ड है प्रतिवर्ष दिया जाता है विश्व के जाने माने वन्य प्राणी विशेषज्ञ स्वर्गीय श्री फतेह सिंह राठौर की स्मृति में। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का है और उसके आसपास के क्षेत्र में बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ये दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड मध्य प्रदेश के रितेश सरोठिया को दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिक ज्योतिषी और आयुर्वेद की जानकारियों के आधार पर वन विभाग ने कहाँ एक नक्षत्र वन तैयार किया है? तो देखिए ये जो नक्षत्र वन तैयार करा गया है भोपाल के लाहारपुर जो एरिया है वहां पर करा गया है और इस नक्षत्र वन में इसका उद्देश्य है कि पौधों के महत्व को, मतलब पौधों के महत्व के बारे में लोगों को समझाना। आपको पता होना चाहिए कि जो वन होते हैं वो एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से, ज्योतिष दृष्टि से और आयुर्वेद की जानकारियों की दृष्टि से इसमें नक्षत्र राशि और ग्रहों के आधार पर 48 तरह के पौधे जो हैं वो यहाँ पर रोपे गए हैं। ठीक है, और इस नक्षत्र वन को सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र के रूप में बनाया गया, लोग यहाँ पे आने भी लगे हैं अब। ठीक है, इसमें वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि जैसे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह के अनुरूप यहाँ पर जो पौधे लगाए गए, जैसे सूर्य के लिए अकोन होता है, एक वन होता है, चंद्रमा के लिए पलास होता है, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए चिरचिरी, गुरु के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि शमी, राहु दुर्बा, केतु के लिए कुश। ठीक है, और 12 राशि हैं तो 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र, सबके लिए अलग अलग प्रकार के पौधे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, मतलब जिस राशि से संबंधित, जिस नक्षत्र से संबंधित, जिस ग्रह से संबंधित जो पौधा होता है वो यहाँ पर लगाया गया है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये जानकारी है आपकी, हालांकि पहले आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज मैं करा देता हूँ। मध्य प्रदेश जो है वो बाघ, तेंदुआ, गिद्ध, घड़ियाल और बारहसिंगा आदि अनेक प्राणियों की संख्या देश में सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 बाघ, तेंदुआ, गिद्ध, घड़ियाल और बारहसिंगा सर्वाधिक है इनकी संख्या देश में। ठीक है, और प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं 526 टाइगर सेंसस के हिसाब से, 1800 से अधिक तेंदुए पाए गए हैं, लियोपर्ड जिनको हम कहते हैं, 8,500 गिद्ध यहाँ पर पाए गए हैं, अभी हाल ही में गिद्ध जनगणना भी, सॉरी गिद्ध गणना भी हुई थी, और 1800 से अधिक घड़ियाल पाए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था चंबल नदी जो है वो पहले नंबर पे पहुंच गई है, पहले गंगा नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते थे, लेकिन अब जो घड़ियाल हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, चंबल नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आती है, बिहार की गंडक नदी जो है वो दूसरे नंबर पर आती है, हमने करंट अफेयर में इसको डिस्कस भी किया था। अखिल भारतीय बाघ आकलन में मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ देश में पहले स्थान पर है। 3 टाइगर रिजर्व पेच, कान्हा और सतपुड़ा देश में प्रबंधीय दक्षता में प्रथम 3 स्थान पर हैं। ये देश की बात करी जा रही है। ठीक है, पहले नंबर पे पेच है, दूसरे पे कान्हा है, यानी कि प्रबंधीय दक्षता की बात करी जा रही है कि मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर अच्छा होता है। ठीक है, भोपाल में जो केरवा करके जो बनाया गया है वहाँ पर गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पर
गिद्ध की जो संख्या है वो विलुप्त तो हो रही है प्रजाति, उन प्राणियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास भी यहाँ पर करे जा रहे हैं। देखिए आपको पता होगा गिद्ध एक ऐसी चीज है जो चीजें सड़ी गली चीजें होती हैं, जैसे किसी की लाश, कोई जानवर की लाश अगर सड़ती है तो ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, जिससे फालतू के, अब जैसे कोरोना वायरस अभी आजकल आपको चल रहा है जिसको कोविड नाम दिया गया है, कोविड-19, ठीक है, तो ये जो है कोई कोई ना कोई जानवर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि फैले हैं, वट एवर जो भी मतलब रीजन हो, तो इस तरीके की चीजें जब वातावरण में सड़ेंगी गलेंगी तो वहां पे कुछ ना कुछ इस तरीके की समस्याएं भी आएंगी। तो गिद्ध का बचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए गिद्ध प्रजनन केंद्र केरबा में बनाया गया है भोपाल के, ठीक है। चंबल सेंचुरी की बात करें तो आज 1800 से अधिक घड़ियाल हैं जो देश में अन्य स्थानों की गणना से काफी आगे, ठीक है, देश में नहीं यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल में ही है। सोन नदी और केन नदी में घड़ियालों को वैज्ञानिक तरीकों से पोषण कर हर साल तकरीबन 200 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े जा रहे हैं। मुरैना जिले का जो देवरी है वहां पर इको सेंटर बनाया गया है जहां पर घड़ियाल के अंडे जो है वो लाकर सेते जाते हैं। अंडों में से निकले घड़ियाल जब 3 साल के हो जाते हैं तो उन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। विश्व में केवल भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ये घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश का जो अशोक नगर है और कटनी, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में किए गए नवाचारों की सराहना की है। एक्चुअल में अभी 5 मार्च को एक समारोह हुआ था केंद्र सरकार में, ठीक है, इस महिला बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी, तो उन्होंने इसकी काफी सराहना करी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंधित दो अभियान जो हैं वो मध्य प्रदेश में चलाए गए, इसमें से एक अशोक नगर में जो अभियान चलाया गया है, अशोक नगर जिले की स्कूली छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी संकोच को समाप्त करने के लिए शुचिता पवित्रता अभियान, और कटनी जिले में चलाया गया है स्वागतम नंदिनी अभियान। ये दोनों बहुत अच्छे अभियान मध्य प्रदेश में चलाए गए हैं जिससे दोनों जिलों में लोगों की सोच में बेटियों के बारे में बदलाव देखने को मिले हैं। थोड़ा सा हम इन अभियानों के बारे में जानकारी कर लेते हैं थोड़ा, हालांकि ये पुराने अभियान हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अशोक नगर जिले की जो कलेक्टर हैं डॉक्टर मंजू शर्मा, इन्होंने स्कूली छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी संकोच को समाप्त करने के लिए शुचिता या पवित्रता अभियान चलाया है। इसमें छात्राओं को 5S, स्वास्थ्य, स्वरक्षा, स्वच्छता, स्वाभिमान और स्वावलंबन, इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। और इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है वो है स्कूली छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजग बनाना और माहवारी प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी देना और अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अगला जो अभियान है वो है कटनी जिले का, कलेक्टर शशि भूषण सिंह ने इस अभियान की शुरुआत करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित स्वागतम नंदिनी। इस कार्यक्रम में बच्चों का जब जन्म होता है तो माता पिता और बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब जिला प्रशासन और समुदाय के बड़े बुजुर्गों द्वारा किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है, साथ ही नवजात बच्ची के माता पिता को बेबी किट और लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो दो अभियानों की बहुत सराहना करी गई, तो ये प्रमुख अभियान है। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि किसके शासनकाल में मार्च 1818 में एंग्लो भोपाल संधि हुई थी। तो देखिए मार्च 1818 में एंग्लो भोपाल संधि जो है वो मोहम्मद खान, ठीक है, नवाब मोहम्मद खान के शासनकाल में हुई थी। और मैं आपको बता दूं दोस्त मोहम्मद खान था जिसने आधुनिक जो भोपाल है उसको बसाया था, ठीक है, ठीक है, वैसे तो बस बनाया किसने था, राजा भोज ने बनाया था, लेकिन आधुनिक जो भोपाल है वो इन्हीं की देन है। इनके पुत्र थे यार मोहम्मद खान, ठीक है, 1728 में जब इनकी मृत्यु हो गई दोस्त मोहम्मद खान की, इन्होंने इस्लाम नगर बनाया था। एक्चुअल में जगदीशपुर है भोपाल के पास में ही, उसको इन्होंने अटैक करा, जीता और उसके बाद उसका नाम रख दिया इस्लाम नगर, ठीक है। और इसके बाद इसने जो आपका जैसे सीहोर है आसपास भोपाल के एरिया, आष्टा है, एक्चुअल में इनको ये जो जगह है यहाँ की ये गिफ्ट में मिली थी रानी कमलापति के द्वारा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि रानी कमलापति की इन्होंने सहायता करी थी, तो रानी कमलापति ने उनको ये भोपाल राज्य जो है वो उपहार में दे दिया था। फिर इनने जगदीशपुर को जीत के इस्लाम नगर बनाया और इसको अपनी राजधानी बनाया। फिर सीहोर हो गया, आष्टा हो गया, देवीपुरा, गुन्नौरगढ़ जो आसपास के एरिया है वो इन्होंने जीते। उसके बाद 1728 में इनकी मृत्यु के बाद यार मोहम्मद खान जो है वो भोपाल का प्रथम नवाब बना था। ये ध्यान रखें, भोपाल का प्रथम नवाब कौन था, यार मोहम्मद खान,
भोपाल का प्रथम नवाब था। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोस्त मोहम्मद खां का लड़का था। यार मोहम्मद खां का फिर अगला जो वंशज था वो मोहम्मद खां था, जिसकी एंग्लो भोपाल संधि हुई थी 1818 में, जिसके शासनकाल में। बाद में फिर भोपाल की बेगमें आ गईं, जिनमें से एक कुदसिया बेगम सबसे पहली बेगम थी, जिनका नाम था गौहर बेगम, दोनों नाम थे। और गौहर महल आपने सुना हो, वो इन्होंने ही बनाया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। जामा मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कुदसिया बेगम जो है वो भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी, या महिला नवाब प्रथम थी, ऐसे आप इसको देख सकते हैं, प्रथम महिला नवाब थी। इसके बाद फिर जो आगे जो चले हैं उनमें से महिलाएं ही नवाब रही हैं, ठीक है, भोपाल में ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी। अगला प्रश्न था, किस अधिवेशन में प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी। तो क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता अधिवेशन। मध्य प्रदेश से संबंधित देखिए, जो आपकी प्राचीन मध्य प्रदेश से लेके आधुनिक मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सारी जानकारियां जो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इतिहास महत्वपूर्ण रहेगा अब एमपीपीएससी के लिए, इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो गए, ये सारी चीजें पढ़ें। तो ये कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी है हरी सिंह गौर, जिन्होंने सागर यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि सागर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। और न्याय विभाग और शासन विभाग को अलग करने की मांग इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में करी थी, और कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1901 में, ये ध्यान रखें। इसके बाद फिर 1904 में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो थी उसकी कटु आलोचना भी करी थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुलचीपुर सागर अभिलेख से किस प्रसिद्ध सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान और बिन तुगलक। कमेंट करके आपको सही बताना है। एक और प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से उत्खनन के परिणाम स्वरूप प्राचीनतम मानव जीवन के साक्ष्य मिले थे? सीहोर, नरसिंहपुर, दमोह और सागर। ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन कमेंट करके बताना है। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।